दोस्तों, आपके पास 4G फ़ोन है और 4G फ़ोन में आप 5G चलाना चाहते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैं यहां पे जियो का ट्रू 5G चला पा रहा हूं और ये जो मेरा फ़ोन है वो 4G है। आप भी अपने 4G फ़ोन में 5G चला सकते हैं। मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा वो अपने फ़ोन में अप्लाई कीजिए, 101% आपके ही फ़ोन में 4G से 5G नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे कोई भी फ़ोन आपके पास हो। तो सबसे पहले उस फ़ोन की आप सेटिंग में चले आइए। जैसे इस फ़ोन की सेटिंग में आएंगे तो वहाँ पे आपको देखना है लिखा होगा मोबाइल नेटवर्क या लिखा होगा कनेक्शन, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी सिम हो, एयरटेल हो या फिर जियो हो, ठीक है, वो फर्स्ट स्लॉट में डली होनी चाहिए, एक नंबर पे, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एरो आपको देखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको APN सेटिंग सेट करनी होगी जो मैं बताऊँगा आपको वो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको देखेगा नेम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है इंटरनेट, क्या डालना है इंटरनेट, ये देखो मैंने डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप सबसे पहले इंटरनेट डालिए, जैसे कि मैंने डाला इसी तरीके से ओके कर दीजिए। अब यहाँ APN पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डालना है जियो नेट, ठीक है। अगर आपकी BSL की सिम है तो आपको डालना है एयरटेल नेट, ठीक है, और आपको छोटे लेटर में ही डालना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा प्रॉक्सी, इसे आप खाली छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं आपको डालना है। पोर्ट भी यहाँ पे शो होगा, इसे भी आप खाली छोड़ दीजिए। यूज़र नेम यहाँ पे है, इसे भी खाली छोड़ दीजिए, यानी कि है कुछ तो यहाँ से हटा के और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेगा पासवर्ड में भी आपको कुछ नहीं डालना, ये भी खाली छोड़ देना है। उसके बाद दिखेगा सर्वर में ही आपको कुछ नहीं डालना है, खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद MMSC, इसे आपको देखना है, इसे भी आपको खाली ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद MMS प्रॉक्सी, इस पर क्लिक करना है, इसे भी आपको खाली छोड़ देना है और ओके कर देना है, ठीक है। फिर आपको दिखेगा MMS पोर्ट, इस पर आपको क्लिक करके इसे को भी आपको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे मेन सेटिंग आती है MCC, ये देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 405 डाल के ओके कर देना है, ठीक है। और MNC, इस पर क्लिक करके 870 डाल के आपको ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो आप नॉन कर दीजिए, ठीक है। APN टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आप डिफॉल्ट डालेंगे, ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा APN प्रोटोकॉल, इसे आपको IPv4 पे कर लेना है और 6 पे यहाँ पे कर लेना है, नीचे वाला ऑप्शन। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल, ये भी आपको सेम वही करना है। उसके बाद बैरियर आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करना है। यहाँ पे देख लेना और ऑप्शन टच तो नहीं है इस तरीके से, तो उन्हें आपको हटा देना है। उसके बाद MVNO टाइप, इस पर क्लिक करना है, नॉन कर देना है। ये सारी चीज़ें हो जाए फिर मोर पे क्लिक करके सेटिंग को आपको यहाँ सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखेगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फ़ोन 4G होगा तो दिख रहा होगा प्रेफर LTE या फिर यहाँ पे 4G दिख रहा होगा, 4G 3G 2G करके, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे मेरा ये फ़ोन है, ये यहाँ पे 5G है, इसलिए यहाँ पे मैंने 5G यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ बैक आएंगे और यहाँ पे आपका 5G इंटरनेट चलना चालू हो जाएगा, और ना चले तो आपको अपने फ़ोन का एक बार पावर बटन दबा के भी यहाँ से सीधा आप चालू करेंगे, आपका चल जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रिक है बहुत से यूट्यूबर बताते हैं, आप 4G फ़ोन में 5G नहीं चला सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बस यही अवेयर करना चाह रहा था कि 4G फ़ोन में 5G नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बैंड जो होते हैं वो अलग होते हैं, सेटेलाइट एरिया उसकी अलग होती है, ठीक है। तो आप 4G फ़ोन में 5G नहीं चला पाएंगे। हाँ, एक चीज़ तो हो जाती है, 4G फ़ोन की जो स्पीड होती है इंटरनेट की, वो 5G जितनी आ जाती है ये सेटिंग आप कर लेते हैं तो, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि स्पीड आपको बढ़ानी है, ना कि आपको 5G नेटवर्क यहाँ लेके आना है। तो मैंने आपको APN सेटिंग बता दी है, ठीक है, वो आप करेंगे 4G फ़ोन में तो फास्ट इंटरनेट चलेगा आपका। आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं। जय हिंद।